जी मैडम। यार हमारी कंपनी का जो वो नया सीईओ आया है ना, तुम यकीन नहीं करोगी यार, बहुत बड़ी बात हुई है। एक बहुत बड़ी जीके बताओ, मैं सुन रही हूँ। वो आदमी ना उमर का कजन निकला है। मजाक यार, मैं बहुत परेशान हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पे ना पैशन आ गई है। कसम से यार, तुम बहुत ज्यादा सुस्त हो। एक मिनट, पैशन का कह रही हो? उमर वापस आ गया है। क्या उमर आया था? हाँ वो है ऊपर। हाँ। सच बताओ? अरे हाँ। क्या वो भी खूबसूरत है? हाँ भाई। नहीं ये मैं क्या बात कर रही हूँ, बॉस है, सीईओ है, कजिन है। हाँ हाँ वो मैं जरा कंफ्यूज हो गई हूँ, सॉरी। हाय मेरी तो तबीयत खराब होने लगी। तुम क्या कह रही हो यार? अरे तुम ही अजीब सी बातें किए जा रही हो। मेरी बात सुनो, तुम उससे बदला लो और उसके ज्यादा करीब हो जाओ। हाँ उमर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता, मतलब जब तक साथ थे तब तक तो नहीं करता था। लड़की तुम भी बहुत अजीब हो, मैंने कहा था ना तुमसे कि फेसबुक पे अकाउंट बना लो अपना। चलो ये भी जरूरी नहीं, मैं कुछ और करती हूँ, बेफिक्र रहो। कुछ करती हूँ मैं। ठीक है मैं फोन रख रही हूँ। अरे फोन मत रखो, मुझे कुछ सोचने दो। तुम लोग करीब होगे, मुझे इसका एहसास हो रहा है, यही आइडिया है मेरा। हाय निहान, शाम तक मेरे आने से पहले ना स्टॉक कर लेना तुम प्लीज, ये काम करके रखना। अरे लड़की तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो, अब क्या करेंगे यार। मजाक मजाक करो, जैसे भी हो इस काम को निकालो, तुम्हें निकालना होगा। हाँ चलो निहान यार मैं रख रही हूँ, तुम निकलो। ठीक है डेफनी। क्या डेफनी? हाँ निकलो यहाँ से। तुम यहीं हो? हाँ यहीं पर हूँ, लेकिन ना तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वजह से ना यहाँ से फौरन निकल जाओ, क्योंकि वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी और कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। घोड़े जितने बड़े हो गए हो तुम, लेकिन बिल्कुल भी अकल नहीं। मतलब जरा सा बंदा कोई हमदर्दी करता है सामने वाले के साथ, लेकिन नहीं। अच्छा ठीक है ना, जा रहा हूँ मैं, हमेशा अजीब सी बात करती हो। निकलो बाहर जाओ। हाँ दफा हो यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। जल्दी करो यार निहान, मजीद ऑर्डर आ रहे हैं। निहान क्या हो गया तुम्हें? चावल है, केक है। यार रेस्टोरेंट में खड़ी हो, क्या सोच रही हो? तुम्हारा ध्यान किधर है? ऑर्डर आ रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ ठीक है। ठीक हो ना? हाँ हाँ। जल्दी करो, मैं बनाती हूँ। हाँ हाँ निकालो। हाँ। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? हाँ? नहीं कुछ भी नहीं। निहान मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद बेबी के बाद से हमारे दरमियान फासले आ गए हैं। ये बात यहाँ करने की नहीं है सरदार, खामोश हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ कि क्या बात है। चलो मुझे बताओ कि अभी तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? तुम बुलवा के ही रहोगे है ना? यार अब तो बता दो प्लीज। बस तुम्हारी याद आ रही थी, हम काम में ही इतना बिजी होते हैं कि मिल ही नहीं पाते। ओ अच्छा मेरी जान, तो ये बात है, मतलब तुम। अच्छा ठीक है, करते हैं, जरूर कुछ करते हैं। मैं तुम्हें इसी हफ्ते घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा किस तरह? अरे लोग बैठे हुए हैं, चलो जाओ अपना काम करो, जाओ। जी तो आमिर साहब आप बताएंगे, ये बिजनेस में तुम किस तरह से आ गए, वो भी इस्तांबुल में? तुम तो ये सब नहीं करना चाहते थे, तुम बोर नहीं हो जाते क्या? नहीं यार, तुम तो जानते हो मैं धूप में नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ की कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी। क्या चीजें अच्छी लगी? जैसे ये डेफनी मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम तो जानते हो। मैं नहीं जानता, जानता भी हूँ तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे कुछ पता नहीं है और मैं ये बातें सुनना भी नहीं चाहता। तुम्हें मैंने काफी टाइम बाद देखा, तुम अच्छे लग रहे हो, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन एक काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अब बस करो और मुझे अकेला छोड़ दो। सिनान क्या डेफनी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए? यार आमिर दरअसल तो तुम यहां पर हो आमिर। या अल्लाह मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया आपने, बताएं ये कैसा इम्तिहान, मेरे दिल में क्यों दर्द हो रहा है? क्या चल रहा है? तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा है। आमिर I'm sorry, मुझे लगता है आप लोग बिजी हैं। अरे हाँ आओ आओ, मेरे कजन से मिलो, उमर एप्लिकची। ये बहुत बड़े डिजाइनर हैं और पैशंस के बॉस भी हैं। आपको मैं जानती हूँ। मैं भी। और ये हैं सिनान साहब। हम मिल चुके हैं।
हाँ हम बहुत बार मिल चुके हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ही। हाँ सही कहा, बिल्कुल। मैं पहली मुलाकात में ही जान गई कि ये कितने मगरूर हैं। वैसे कम से कम मेरे पास अच्छे आइडियाज तो थे, लेकिन ये तो बैठ के सिर्फ बातें बनाने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकती। ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस यही सब कुछ तो कहती हैं। वैसे इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। वैसे मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे दोबारा गलती होगी, सच में हमेशा की तरह। ये वही सिनान है जो कभी नाकाम नहीं होते, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो, कोई बात है क्या? हमें लॉजिस्टिक सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन ये मैडम तो हमारी बात ही समझ नहीं पा रही, इनको हमारी बात कबूल ही नहीं। हाँ तो कोई मसला नहीं है, हम साथ यूज करेंगे। वैसे हमारे पास लॉजिस्टिक मैनेजर भी तो है, स्टेफनी, वो इसका कोई सलूशन निकाल लेगी। हम उसे क्यों बताएं? ये बताने की क्या जरूरत है? वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं, आप जानती हैं समझौता क्या होता है? बात करने के दौरान इसे खूबसूरत अल्फाज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अरे यार छोड़ो, डेफनी संभाल लेगी। ये बहुत मुश्किल है। डेफनी संभाल लेगी। हाँ संभाल लेगी, अगर वो नहीं भी संभाल पाई तो कोई मसला नहीं, हम कोई दूसरा मैनेजर ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं डेफनी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, वो मेरी अच्छी एम्प्लॉय है, वो हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है। नहीं यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इस काम के काबिल है तो मैं तो जरूर कहूंगा कि वो करे। तुम क्या कहते हो उमर? हाँ ठीक है, मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं समझता, मेरे साथ ठीक ही होता है। गुड लक। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा काम है। अरे नहीं देखो, कस्टमर को ना ऐसे पैकेजिंग चाहिए जो रिसाइकल हो सके, ठीक है ना? उनको एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्यार होता है, काश सब उन जैसे हो यार, कितना अच्छा होता है ना। कुछ कस्टमर्स ना अपनी मर्जी से सप्लाई करवाते हैं, मतलब ऐसा चाहते हैं कि पैकेजिंग। हाँ मैं क्या कह रही थी, सप्लाई के बारे में। हाँ वो चाहते हैं कि उनको सप्लाई किया जाए, हम उनको सप्लाई करेंगे और फिर सप्लायर तो होते ही हमारे पास। मुझे भी यही लगता है। ठीक है उफ, ठीक है भाई यार करते हैं कुछ, बस बता देना। बता देते हैं, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी काम को ना, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है। डिजाइन करने की छोड़ दिया। नया कारोबार, नई जिंदगी, अगर मैं गलत नहीं तो तुम अच्छे मूड में। क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? बस करो लड़की, क्या जो कुछ हुआ वो काफी नहीं है? मैं बहुत रोली, अब तुम्हारे लिए नहीं रोऊंगी। भागो यहाँ से पागल। पागल है क्या? कौन लिखता है ये सब? हाँ पागल हो गया, कोई काम वाम है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे डेफने चाहिए। क्या? कैसे? मुझे डेफने चाहिए सिनान, जानना है कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं। कोई हुआ तो? नहीं
नहीं जानता वो दोबारा प्यार करेगी या नहीं, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे एक बात बताओ, तुम बाकी संजीदा हो? हाँ बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? डेफने के पास, उससे बात करूंगा। उसके घर जा रहे हो वो भी इस वक्त? उमर? हाँ सिनान। जाओ भाई, बात करो जल्दी। उसने डिजाइन करने क्यों छोड़ा? हाँ बोलो कोरे। मैंने ये भी लिया है। हाय दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की की शक्ल। तुमने इससे खूबसूरत लड़की देखी है क्या? मुझे तो देख के मतली हो गई इसे। हाय मैं इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कम से कम इस लड़की से ज्यादा अच्छा और खूबसूरत तो हूँ मैं। इस औरत की क्या औकात, ये मेरे हुसन के आगे कुछ भी नहीं। सवाल सिर्फ खूबसूरती का नहीं, मैं काम भी बड़ा जबरदस्त करता हूँ, गजब का काम करता हूँ, कमाल काम करता हूँ, दुनिया तारीफ करती है, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। यानी खूबसूरत लोगों के साथ तुम्हें इस कंपनी में काम करना चाहिए। वैसे किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ हाय रुको, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। पॉइंट पर आओ। हाँ अब मैं तुम्हें बताता हूँ। आमिर जान मेरे प्यारे, मुझे नौकरी चाहिए मेरे प्यारे। मैं कसम खाकर बताता हूँ, बोर हो गया मैं ऐसे उल्टे सीधे कामों से, दिल खराब हो गया मेरा। मैं अब अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लेना चाहता हूँ, इतने अच्छे कि सारे जहां में धूम मच जाए। हाय मैं अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहता हूँ, ड्रामा चाहिए। ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। हाय सोचो जान सोचो। मेरे बारे में सोच रहे हो? अभी तो नहीं। कितने सुस्त आदमी हो तुम, कैसे आदमी हो? एक तो इतना ठंडा कमरा करके बैठे हो, पता नहीं किस तरह से बैठते हो। कोरे तुम अब जा सकते हो, क्योंकि तुम एक मशहूर इंसान हो, तुम्हारे पास काम भी बहुत होंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अरे तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, मेरे बारे में कौन नहीं जानता इस दुनिया में। अब सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा तो तुम कितने अमीर हो जाओगे, कितनी तारीफें होंगी तुम्हारी, मशहूर हो जाओगे तुम। हाँ वो मैं समझ गया हूँ। अरे मुझे पता था तुम मुझे नौकरी जरूर दे दोगे। अरे आमिर जान जब तुम्हें जरूरत हो मुझे फोन कर देना तुम, और अपना ख्याल रखना तुम। कभी मुझे चाय पे लेकर जाना हो, कभी डिनर पे लेकर जाना हो, तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानता, समझ गए ना तुम? मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अरे वो तो तुम करोगे ही मेरी जान। अच्छा मुझे जाने दो। मैंने डेफनी से बात की, वो कल हमें एक प्रेजेंटेशन देगी, हम देखेंगे कि वो उसे संभाल सकती है कि नहीं। उसे भी इस तरह के बोझ तले दबाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कर लेगी यार। अगर वो नहीं कर सकी तो हम बना बनाया काम क्यों खराब करें? लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पैशंस भी हमारी मदद करेगा, ठंडी हो जाओ। लेकिन अब देर हो चुकी है, क्या डेफनी के पास जाना चाहिए? हो सकता है बात करने से इजलास हमारी तरफ हो, मिसाल के तौर पर पैशंस के बजाय हमारी तरफ ध्यान हो। मतलब हमारी कंपनी को ज्यादा तवज्जो दे। हाँ तो क्यों नहीं, क्या हमारा काम ऐसा नहीं है? हाँ वैसे सही बात है, मैं बात करता हूँ। क्या आप जानते हो वो कहाँ है? मैं ढूंढ लूंगा उसे। ठीक है। हाँ क्या हुआ? बोलो। हाँ वो लारा कमरे में वेट कर रही हाँ, है। हम लोग खेल खेलने जा रहे थे, मैं बाहर जा रही हूँ। अरे मैडम इतने सारे काम पड़े हैं और आप खेल खेलने जा रही हैं बच्ची के साथ? मैं माँ हूँ उसकी, तुम जानते हो ना। वो तो है। हाय ये लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं यार, ये क्या है, रहम कर दो थोड़ा सा रहम यार। आप ही क्या हुआ, आपको मेरी मदद की जरूरत है? उफ़ मतलब वैसे ही कुछ मेरी जान यार, वो चाहते हैं कि मैं खुद को साबित करूं, क्योंकि अब मैं दो कंपनीज को मैनेज करूंगी। अगर मैं कर सकी तो ये मुश्किल है। अब मुझे एक ऐसा प्लान बनाना है जो उन्हें पसंद आए। आप ही देखिए मुझे आपकी ना कुछ बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। गलत है, हद से ज्यादा गलत है यार। नहीं मतलब शायद उस कंपनी में नहीं होना चाहती हूँ, या क्या पता कि मैं वहाँ खुश हूँ, क्या पता, कुछ उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं। ठीक है वो घोड़े हैं और मैं घास। उफ़
अब शायद मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहूँ कभी। किसका? मतलब इंसान फॉर्मेलिटी के लिए भी क्यों देखे उसका चेहरा? मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या वो मेरे सामने आए या जाए, कुछ भी हो जाए। और एकदम से ऐसे सब कुछ खत्म होने के बाद यार, अब ऐसे दोबारा से कुछ तो नहीं हो सकता ना, मैं क्यों बात करूं? मतलब देखूं ही क्यों उसकी तरफ? बताओ कोई जवाब है क्या? ए लड़की, तुम फिर इसमें लग गई? दुनिया में और भी काम है। चलो छोड़ो इसे, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया, इसे पियो। चलो पियो इसे, शाबाश पियो। अरे नानी मत पूछें, मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही कसम से। मुझे लगता है अब हमें कोई नहीं समझता। हा? कौन? क्या भाई, मैं तो यही हूँ, क्या मतलब कि मेरा दिमाग यहाँ पर नहीं है? क्या बातें कर रही हूँ यार, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारा काम है मेरे पास। डेफनी, क्या हुआ तुम्हें बेटा? किसको, किसे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ? अभी कुछ दिनों तो पहले तुम ठीक थी, हंस बोल रही थी, अब एकदम से फिर चुप हो गई हो। क्या हो गया डेफनी, बताओ मुझे, क्यों परेशान हो, बताओगी मुझे जरा? अरे यार नानी, निहान लोग अभी क्यों नहीं आए? वो भाई के साथ रेस्ट रूम में है। मैं कहाँ थी यार, कहाँ थी मैं? तुम डेफनी के पास जा रहे हो, उसके घर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, या नहीं, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। जो भी हुआ उसकी वजह ये थी कि हम बात नहीं करते थे। हाँ सही कह रहे हो उमर, तुम साफ साफ बात करो ताकि कोई राज ना रहे। इससे ज्यादा राज क्या है? अरे नहीं, ऐसे ही कहा मैंने, अगर कुछ हुआ भी तो पता चल जाएगा। अच्छा मैं जाकर सीखूंगा। ठीक है तो फिर मैं एक गिलास वाइन पीकर घर चला जाऊंगा। मजे कर। ओके बेटा उमर। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, हर दिन तुम्हें याद करती थी। कितना टाइम हो गया, जब कोरे ने तुम्हारा बताया कि तुम आ गए हो तो मैं बहुत खुश हुई। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत उमर, मुझे माफ कर दो मेरी जान। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हुई मेरी वजह से। तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप इसका नुकसान जानती हैं? आपको लगता है कि सिर्फ मैं इस कहानी का शिकार हूँ? मुझे अब भी यकीन नहीं आता आप ये कैसे कर सकती हैं। आप मामूली लड़की को कैसे देख सकती हैं जिसके बारे में आप कभी भी नहीं जानती हो? मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, तुम डेफनी की बात कर रहे हो। चची जान, मैं आपके खिलाफ खामोश नहीं रह सकता, मेरे अंदर अब भी गुस्सा है। मेरे ख्याल में वो जिंदा रहा है हमारे एक्सपीरियंस की वजह से। उनका बिला वजह टूटना, उनका इख्तिताम, नामुकम्मल जुमले, उनका झूठ, उनका भागना, मैं इससे बाहर नहीं निकल सका। मैं पागल हूं। डेफने आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्यों, आखिर क्यों? आपने उस लड़की को कैसे मजबूर किया? वो कैसे आपके हाथ में थी? इतनी जल्दी आपने उसे कैसे पकड़ा? और ये सब आप कर रही हैं। मैं ये बात जानता हूं कि आपने बिला वजह किसी को सताया है। वाकई किस हक से? उमर मेरा बेटा, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। बस करें चची जान, मसला सिर्फ मैं नहीं हूँ, हम दोनों को तकलीफ हुई है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये बकवास खेल बिल्कुल पसंद ही नहीं है। क्या वाकिफ है कि हम उड़ा दिए गए? वो एक तरफ है और मैं दूसरी तरफ। बस इतना ही हुआ। उमर बेटा, यही तो सारी बात है। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी। ये तो मेरे वहमोगुमान में भी नहीं था कि इतना सीरियस हो जाओगे तुम दोनों। आप छोड़ सकती थी, आप डेफने को आजाद कर सकती थी, है ना? आप हमेशा तनहा छोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया।
मैं नहीं कर सकी, इसलिए क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे यही डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो मैं तुम्हें खो दूंगी, फिर तुम मुझसे मुंह फेर के चले जाओगे। देखो उमर, मैं पहले ही इस बात का तजुर्बा कर चुकी हूँ। जिस तरह तुम बचपन में मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं तुम्हें देखने को तरस गई थी, बस इसलिए छुपाया तुमसे। क्या आप जानती हैं, मुझे बहुत अफसोस होगा, हमें अफसोस होगा। क्या आप अंदाजा नहीं कर सकती थी कि पता चलने के बाद क्या होगा, नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं कर सकी अंदाजा मैं। हाँ, ये गलती मेरी है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ, मैं गलत हूँ। हाँ, बिल्कुल है, आप ही की वजह से, ये तमाम अलहदगियाँ अंजाम आपकी वजह से हैं और इसका कोई मवाजना नहीं है। तो मतलब ये कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे? माफ करना मुमकिन नहीं है, शायद वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ चची जान? मैं अभी आपके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा, मुझे अफसोस है। उमर, तुम गए नहीं क्या? मैं नहीं जा सका, चची जान आ गई। ओह, तो फिर क्या हुआ, बात की तुमने उनसे? समझ गया, जो भी है ठंडे हो जाओ यार, ठीक है? सब कुछ एक एक करके हल करो, शायद उसके घर जाना बेहतर नहीं था, उसकी फैमिली भी होती। ये भी सही है, वो अब मुझसे नाराज है, तुर्कन हंडी या कुछ और। हाँ, सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ, टेफनी के साथ जो कुछ भी हुआ उनके सामने ही हुआ, तुम गुस्सा भी नहीं कर सकते। कितने नाराज थी के सिनान? देखो, तुमने सूप नहीं पिया ना, अजीब है ये लड़की। मैं देखती हूँ। आप ही कोई आमिर नाम की लड़की आए हैं, कह रहे हैं आपके साथ होते हैं। है, आ गई क्या? कहाँ आ रही हूँ। क्या क्या हो रहा है नानी, पता नहीं कौन था। गुड इवनिंग आमिर सर, खुश आमदीद। माफ करीजिए, माफ करिएगा, घर बहुत बुरे हाल में, वरना अंदर बुलाती आपको। अच्छा, तो ये बुरा हाल है तुम्हारा? क्या, कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? बिल्कुल, अंदर आएंगे क्या? नहीं नहीं, अंदर नहीं, यही ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। अंदर नहीं आया? अरे वो दिन में आता होगा ना, हमें क्या पता। तो मैंने कुछ तैयार किया है, लेकिन एक नई स्ट्रेटेजी है, आजमाना पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे। हाँ, तो पूछ रहा हूँ, क्या तुम कर पाओगी? बताया तो ना कि काम कर रही हूँ। सुनो, हाँ। तुम इसको फौरन जाके फ्रिज में रख देना, समझी? ये देखो, कम से कम हमारा सुबह का रेस्टोरेंट का खाना तो मुकम्मल हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है, हम संभाल लेंगे। यार क्या हम थोड़ा जल्दी चल सकते हैं? मुझे डेफनी से मिलना है, मुझे याद आ रही है उसकी। अरे यार, मुझे बता दो आखिर बात क्या है, सुबह से यही कह जा रही हो, डेफनी डेफनी डेफनी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कहाँ से आ रहे हो इस्माइल? ओहो, खाने का सामान लाए हो। हाँ यार। अरे यार, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, जरा जल्दी चलो जल्दी। यार इसे देखो, सुबह से डेफनी की याद आ रही है, क्योंकि वो 6 महीने से कनाडा में थी ना। इस्माइल, क्या तुम्हें पता चला? उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे पता चल चुका है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। क्या आपस में दोनों बकवास किए जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो बाबिल का इंतकाल हो गया ना। और डेफनी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो काम मिला है तुम अच्छे से अंजाम दो, वरना तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये है वो। ओहो, मैं जानती हूँ, मैं भी अपनी जॉब नहीं खोना चाहती हूँ। जानता हूँ काम का लोड है। हाँ, फिलहाल मजबूरी है, या तो तुम एक अच्छी पोस्ट पर आ जाओगी या फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी। अच्छी पोस्ट? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब सोचो, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। ये लोग कौन है? वो लोग मेरे दोस्त हैं, निहान, मेरा भाई सरदार, और वो ईसो। ईसो? ये ईसो कौन है? वो शर्ट वाला, आप क्यों पूछ रहे? चलो मैं चलता हूँ, तुम्हें कोई और बात तो नहीं करनी? नहीं नहीं, मैं काम कर रही हूँ, आप जाइए। हाँ चलो ठीक है।
अपना ख्याल रखना। क्या चल रहा है भाई लोगों? अरे नहीं यार, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है जरा मुझे बताओगी तुम कुछ? अच्छा लड़का था। कौन था वो? बहुत खूबसूरत था यार। मतलब वो क्या इतना भी खास नहीं दिख रहा था, मेरा मतलब ये है। देखते हैं ऐसे भी। हाँ आमिर। हाँ भाई, कैसी गुजर रही है? अच्छी है पार्टनर। चलो फिर बाहर आ जाओ। ठीक है, आ जाता हूँ। मैं और सुनान जल्दी यहाँ से बाहर आ रहे हैं। नहीं उमर, उससे कहो कि मैं नहीं आ सकता, मेरे हाथ पांव में बहुत दर्द है। तुम दोनों खुल के बात करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। रुकना जरा, कहाँ चले? हाँ हेलो, वो दीवाना तो छोड़ के चला गया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। एक दफा का जिक्र है, किसी दूर दराज के मुल्क में चील जैसे काले बाल वाला एक बहुत ही खूबसूरत बादशाह रहता था। उस बादशाह की ईमानदारी और दौलत की वजह से उसे बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। लेकिन उसमें एक बच्चा छुपा हुआ था, एक बहुत नाजुक सा दिल वाला, एक बहुत ही प्यार करने वाला, एक जवान लड़की को, और पता है फिर उससे मोहब्बत हो गई, बहुत ज्यादा प्यार करने लगी उससे। लेकिन क्या है प्यार, वो लड़की पागल हो गई। जब भी इस बादशाह को देखा वो पागल हो जाती थी। प्यार तो दूर की बात, देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। लड़की बादशाह से बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत। वो एक दूसरे के साथ हो गए हमेशा के लिए, प्यार भी किया और शादी करने का फैसला भी किया। और एक दिन फिर बादशाह उसे छोड़कर दूर चला गया। लड़की क्या करती, लुट गई, बर्बाद हो गई। नई जिंदगी जीना शुरू कर दी उस लड़की ने, ना जिंदगी रही और ना खुशी रही। मोहब्बत पर लानत भेज दी उसने, हमेशा अधूरी और उदास रही, जीना छोड़ दिया उसने। जब तक बादशाह अपने तख्त पर वापस आया, हाँ वो उसे नहीं देखना चाहती थी, उसने बादशाह के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ दिया, बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी वो उससे, कभी भी देखना नहीं चाहती। लेकिन देखो एक दिन क्या हुआ कि अचानक बादशाह ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बस वो लड़की क्या करती, उसने फिर भागना शुरू कर दिया बादशाह से, क्योंकि अब वो सबको खोने से डर गई है, क्योंकि अभी वो उसे दोबारा खोने से डर गई है। मोहब्बत करती है लेकिन किसी को बता नहीं सकती, बल्कि सबसे कहा कि अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूं, बल्कि लेकिन वो कभी ठीक हुई ही नहीं थी। बादशाह को देखते ही वो घबरा जाती थी हमेशा। वो लड़की बादशाह के साथ रहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ ये बात जानती थी कि बादशाह छोड़ के जा चुका है, अब नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो उसके आने का बहुत इंतजार करती थी, वो जानती थी अब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो पागलों की तरह उसी के बारे में सोचती रहती थी। अब क्यों? कुछ दिन तक के लिए तो यही हो यार, तुम जानते हो मुझे, मैं ज्यादा दिन तक कहीं नहीं दिखता। लंदन में एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद करती थी, उसने जैसे ही जबरदस्ती करना शुरू की मुझे बस वहां से यहाँ आना पड़ा। इस हफ्ते मफरूरों पर ये बात तुम बोल रहे हो। वैसे अभी ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है,
जिसे मैंने खुद चूज किया। हमेशा की तरह? हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मुझे सुकून चाहिए होता यार। तुम जानते हो कि मुझे टेंशन पसंद नहीं है। बिल्कुल जानता हूँ, तुमसे परेशानियाँ बर्दाश्त ही नहीं। याद नहीं दिलाओगे? रात के बाद तुमने हमारा पीछा किया। लेकिन मैं वहाँ पर लड़ा भी था सिनान, वो भाग गया था। अरे यार झगड़ना बंद करो यार उमर आमिर। हम भाई से बात करके डरपोक के बाद ये कर सकते हैं, क्यों पुलिस को बुला रहे हैं वगैरह वगैरह। वैसे मजा बहुत आया था यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मजे किए, बल्कि बहुत मजे किए। देखो यहाँ अभी तक चार टांगे बाकी हैं, कितने मजे। मेरी भी तो टांग टूट गई थी यार, वो भूल गए। और ये गलत आदमी थे, ये हमने ने कुछ भी नहीं मारा। खैर और बताओ क्या चल रहा है? शादी कैंसिल हो गई फिर रोम चले गए, आखिर क्यों? ट्रेन का हादसा, ऐसा कह लेते हैं। मान लेता हूं। एक और देना प्लीज। डेफरी मुझे बताओ जरा, अब ये सब क्या है? अरे चुप करो यार लड़की, वैसे ही मैं पहले इतना परेशान हूं, अब मुझे उमर के सामने प्रेजेंटेशन करनी है यार। अरे नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं ना अभी चक्री रिजाइन दे दूंगी। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है यार, हमेशा मेरे लिए मुसीबतें। भाड़ में जाए ऐसी जिंदगी। अरे तुम्हें क्या हो गया है, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारा फिर दिमाग खराब हो गया है। मैं उसे जब देखती हूँ ना मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं यार, तुम नहीं समझ रही हो मेरी बात, सब गड़बड़ हो जाता है। क्या आसान है ये? अच्छा तुम्हें उससे बहुत प्यार है ना? होगा भी, वो आदमी भी तो ऐसा है। नेहान क्या कह रही हो यार? क्या कह रही हूँ, सच तो कह रही हूँ, झूठ क्या है? तुम इस तरह सोचो ना कि मैं एक मामूली सी लीग की प्लेयर हूँ और अब मुझे चैंपियंस लीग खेलना है। चुप हो जाओ, खुद पर भरोसा रखो यार। तुम किसी मामूली लीग की प्लेयर नहीं हो, ठीक है? तुम मेसी हो, तुम कर सकती हो, तुम मैनेजर हो। हाँ मैनेजर, मैं नहीं बोल सकती यार। तुम्हारे सामने तो कर दूंगी लिहान, लेकिन ठीक है चलो रिहर्सल करते हैं, ठीक है ना? तुम प्रेजेंट करो। तुम्हारे सामने तो कर दूंगी लिहान, लेकिन उसके सामने नहीं होगा। हाँ ये भी है। लो मान लो कि मैं उमर हूँ, चलो प्रेजेंट करो, ठीक है? क्या तुम उसकी नकल कर रही हो? सही नहीं की क्या? बिल्कुल भी नहीं, और कोशिश भी मत करो यार, तुम्हारा नुकसान है फुजूल। सही कहा। चलो खैर खुलकर बात करते हैं, बताओ तुम क्या महसूस कर रही हो? उमर को देखकर तुम कैसा एक्ट करती हो, कैसे पेश आती हो उसके सामने, बताओ मुझे। बेवकूफों की तरह नाराज होने का नाटक करती रहती हूँ, वो बात करता है मैं उसे जवाब ही नहीं देती। मुझे काम है, वक्त जाया नहीं करो मेरा। अच्छा अच्छा नहीं हंसती डेफनी, रुको रुको। अरे डेफनी मैडम आपसे एक बात करनी अच्छा? है। जो भी न्यू मॉडल्स आई हैं मैंने उन सबकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दी हैं, फ्री होके चेक कर लीजिए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी मेल चेक करूंगी। डेफनी मैडम आपने जो चीजें मंगवाई थी वो मैंने आपकी टेबल पे रखवा दी। लेकिन इतनी देर क्यों लग गई? वो मैं जरा मसरूफ था। कसम से बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे यार, काम को सीरियस लिया करो प्लीज। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम पे ध्यान देना पड़ेगा, ये लास्ट आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है मैं भी जाकर चेक। बिल्कुल। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम्हें मीटिंग में कंफर्मेशन मिल जाती है तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें ना करें। दिलचस्प। कोई जवाब नहीं। समझ गया, कल रात में तुम्हारे पास आने वाला था बात करने के लिए, लेकिन शायद सरदार भी और तुम भी नाराज हो तो मैंने परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। शायद हम यहां बात करें। कोई जवाब नहीं। समझ गया, तो तुम नहीं करोगी। ठीक है मैं यहां पर अपना नंबर लिख रहा हूं, मुझे मालूम होना चाहिए जब तुम बात करना चाहो तभी बात करोगी। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।
क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? शायद तुमने मंगनी की हो। मान जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कितना रसीली। अच्छा ठीक है, वो नाश्ते के लिए कुछ लाए हैं, मैंने नाश्ता नहीं किया। दरअसल उसने सुबह थोड़ा नाश्ता किया था। क्या उसके पांव ठंडे थे? टॉयलेट कितनी बार गई? अगर ज्यादा गई तो ठीक नहीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? लग रही है तो बताओ। नहीं 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 नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या उसने उल्टी की? ओह अच्छा, एक बार। ठीक है, पानी ज्यादा पिलाओ उसे। ठीक है, आप उसे बेहतर जानते होंगे। क्या वो नीचे से लेमोनेड लाए थे? हाँ ठीक है, बस मुझे बताएं। हाँ ठीक है, अगर दोबारा टॉयलेट जाए तो बताना। ठीक है। उफ। क्या उफ? ठीक है। गुड मॉर्निंग, काफी अच्छी लग रही हो। मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर हमें 100% सूट किया तो ही हम करेंगे। हम क्यों अपनी बोट टीम खराब करें? मैं इस फ्लोर का किराया देती हूँ। फिक्र नहीं करो, फैसला तुम्हारे सामने होगा। हाँ क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। अरे भाई नाश्ता कहाँ रह गया? एटकिन। गुड मॉर्निंग। तो फिर शुरू करें। डेफनी मैडम कहाँ? हाँ आ गई शायद। ओए हाय, मैं हूं ना, सारे काम ठीक हो जाएंगे अब। हाय कोरे सार्गन जो आ गया, ओनली कोरे सार्गन। मेरे काम के अंदाज से तुम लोग तो वाकिफ हो। मेरी तरफ देखो, ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ सुना ही नहीं। अब मैं आ गया हूँ मदद करने। मेरी एंट्री एक हीरो की तरह हुई है। हाय ऐसा तो शाहरुख खान आता है। अब आपके सामने शाहरुख खान ही है। कुछ और भी समझ सकते हो तुम, जो तुम चाहो। लड़कियों के दिल टूटने वाले हैं, मुझे देख के हर कोई जलने वाला है दोबारा से। मैं जानता हूँ दुनिया का हर कोई इंसान मेरे साथ काम करना चाहता है। कोरे बस करो, चिल्लाओ मत, डर लगता है मुझे। मुझसे इस तरह की बदसूरत शक्ल बनाकर बात मत किया करो। सुनो मेरी बात, मेरी जान मैं कितना मशहूर हूँ इसे मैगजीन में ढूंढने की जरूरत नहीं तुम्हें, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये अजीब किस्म के लड़के। आमिर क्या तुम्हें यकीन है? चुप, तुम मेरे काम से जलते हो सब, तभी नहीं सुन रहे। हाय इंसान दिल रखने के लिए ही सुन लेता है। हाय बदकिस्मत हो जो मेरी बात नहीं सुन रहे। एक तो मैं बहुत खुशी से काम करने आया हूँ। हाय मेरा आमिर, मेरा कितना अजीज है। मैं जानता हूँ मेरा आमिर मुझे यहाँ पे फूलों की तरह से रखेगा। मैं जानता हूँ मुझे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए बुलाया है मुझे। ठीक है, टैबलेट ले लिया है। फाइल फाइल ठीक है, दूसरी वाली ये भी ठीक है। ठीक है, मेरी नोटबुक, टेलीफोन, सब कुछ ठीक है। हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेट है यार, बस अल्लाह मुझ पर रहम करना यार, मैं कुछ भूल तो नहीं रही। डेफनी हाँ आप तैयार हैं क्या? डर तो नहीं लग रहा? अरे हाँ यार, एक घुमा के दूंगी ना मुंह पर, हमेशा आकर ना उल्टा सीधा बोलना बस। अरे ये मीटिंग बहुत अहम है, मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, वैसे ही तुम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। बात सुनो कद्दू की, हटो यहाँ से। सैदा मैडम टाइम की बहुत पक्की हैं, एक मिनट में इधर से उधर कर देंगी। मैंने कहा ना हटो यहाँ से यार, हमेशा आकर ना उल्टा सीधा, मुझे देखने दो, सब कुछ कंप्लीट है ना यहाँ। ये क्या है, डस्टबिन इतना भरा हुआ है, इसे अभी फिकवाता हूँ मैं। नहीं नहीं मत फिकवाना। अरे मुंह तक भरा हुआ है। मैं नहीं जानती, मैं भी जा रही हूँ, मुझे जाना होगा, लेकिन फेंकना नहीं ठीक है ना, मैं बस अभी आ रही हूँ वापस। फेंकना नहीं, मेरा इंतजार करना, मैं बता के जा रही हूँ। मैं थप्पड़ मारूंगी आकर अगर कुछ भी फेंका तो।
माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई।